दिखाने वाला है एडोब फोटोशॉप 7 की मदद से कैसे एक प्रोफेशनल HD थंबनेल बना सकते हैं। चलिए चलते हैं एडोब फोटोशॉप की तरफ और देखते हैं कैसा ये थंबनेल। हम लोग पहले एडोब फोटोशॉप 7 के ऊपर आएंगे और उसको बाद यहाँ से न्यू फोल्डर न्यू एक फाइल क्रिएट करेंगे, मतलब यह 16:9 ओके कर देंगे। ओके करने के बाद एक लेयर सेट हो जाएगा। इसको बाद मेरा एक फ़ोटो यहाँ से डाल रहा हूँ। यह फ़ोटो डालने के बाद मूव टूल की मदद से यहाँ पे ड्रैग करके फ़ोटो को ले आएंगे। उसको बाद रेक्टेंगल लेसर टूल यहाँ से फ्री ट्रांसफॉर्म करके इसको एडजस्ट करेंगे ये लेयर के ऊपर। इसको पूरा एडजस्ट करने के लिए लेफ्ट क्लिक करके इसको ड्रैग करेंगे और ये धीरे धीरे एडजस्ट होते जाएंगे। लगभग एडजस्ट हो ही गया। एडजस्ट होने के बाद ये देखो एडजस्ट हो रहा है, एडजस्ट हो गया। एडजस्ट होने के बाद यहाँ पे थोड़ा कटिंग करना पड़ेगा, मतलब जस्ट मेरा फ़ोटो ही रहेगा और बैकग्राउंड हट जाएगा। जो लेफ़्ट साइड ड्रैग करके हम डिलीट करेंगे, लेफ़्ट साइड ड्रैग करके डिलीट करेंगे, यहाँ पर भी ऐसे ही डिलीट करेंगे, ऐसे ही भी डिलीट करेंगे, छोटा छोटा पार्ट करके करते करते डिलीट कर देंगे। और उसको बाद जो मेन जो फ़ोटो आएगा उसको ऊपर थोड़ा एडिट करना पड़ेगा। ऐसे ऐसे करके लेफ़्ट क्लिक, लेफ़्ट ड्रैग करके डिलीट ऑप्शन को दबाना और डिलीट हो जाएगा आसानी से। ये डिलीट हो रहा है, देखो छोटा छोटा पार्ट करके डिलीट करना तो बहुत मतलब बहुत क्या बोले एकदम प्रोफेशनल लगेगा। देखो छोटा छोटा पार्ट करते करते मैं डिलीट कर रहा हूँ और ये देखो यहाँ पे भी इसे डिलीट कर रहा है। डिलीट करने के बाद छोटा छोटा पार्ट करके मैं भी डिलीट कर रहे ताकि मेरा आसान हो जाएगा ये फ़ोटो एडिट करने के लिए। अब जाएंगे ये जो मैजिक टूल दिख रहा है यहाँ पे, ये जो मैजिक टूल, ये मैजिक टूल के ऊपर क्लिक करेंगे। मैजिक टूल के ऊपर क्लिक करने के बाद लेफ़्ट क्लिक करेंगे, जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो डिलीट कर देंगे, वो आसानी से डिलीट हो जाएगा। मैजिक डिटेक्ट कर लेगा, वो पार्ट को डिटेक्ट कर लेगा। ये देखो जो आसानी जो पार्ट है, मतलब जो बचे हुए पार्ट है वो आसानी से ये डिलीट कर देगा। ये देखो ये पार्ट को डिलीट कर रहे हैं, ऊपर वाला पार्ट को मैं डिलीट कर रहा हूँ। और इसको बाद जो पार्ट बचा हुआ है, जो पार्ट यहाँ पे बचा हुआ है यहाँ पे मैं डिलीट नहीं कर रहा है ताकि ये मेरा बॉडी को डिटेक्ट कर गया है, इसीलिए मैं इसको ये मैजिक टूल और नहीं यूज़ करेंगे। इसको बाद ये जो मैजिक टूल का बाजू में लेफ़्ट साइड में जो पॉलीगन मेसो टूल है इसको यूज़ करेंगे। जहाँ जहाँ से लाइन जाएगा वहाँ वहाँ से लेफ़्ट क्लिक करते करते जाएंगे और ये लेफ़्ट क्लिक देखो मेरे का जो पार्ट नहीं चाहिए उसी के राइट साइड थोड़ा बाहर से मैं ये क्लिक करते करते जाएंगे। और हेयर को मैं थोड़ा राउंड शेप कर लेंगे ताकि देखने में अच्छा लगे, और कोई मतलब नहीं है। उनको थोड़ा राउंड करके यहाँ पे पूरा राइट साइड बाहर तरफ से वहाँ से मैच कर देंगे ताकि मेरा ये जो आउटसाइड पार्ट ये थोड़ा डिलीट हो जाए। ये देखो मेरा फ़ोटो तैयार हो गया, मतलब मेरा कटिंग का फ़ोटो तैयार हो गया। अब मैंने इसको मूव टूल की वजह से इसको राइट साइड ले आएंगे। इसको मैं राइट करके मूव टूल को सिलेक्ट करेंगे, मूव टूल, उसको बाद इसको राइट साइड लेके आएंगे ताकि मेरा दिखने में अच्छा लगे। ये आ गया। इसको बाद मैंने फिर से मेन मेनू में जाएंगे और एक वॉलपेपर लगाएंगे, मतलब एक बैकग्राउंड कलर लगाएंगे। मैंने डाउनलोड करके रखा, ये जो बैकग्राउंड आ रहा है देखो मेरा फ़ोटो ढक जा रहा है, इसीलिए ये लेयर को सेट नंबर वन लेयर को ऊपर लेके आएंगे ताकि मेरा फ़ोटो यहाँ पे विजिबल हो जाए। विजिबल होने के बाद
यहाँ पे मैं टेक्स्ट में जाएंगे और टेक्स्ट के पहले ये लेयर को मैं थोड़ा ब्लर करूँगे, फिल्टर में आएंगे और ब्लर ऑप्शन को क्वेश्चन ब्लर कर देंगे, क्वेश्चन ब्लर करने के ओके कर देंगे। देखो कितना एट्रैक्टिव लग रहा है। इसको बाद लेटर पे आएंगे, मतलब टेक्स्ट में आएंगे और टेक्स्ट का कलर वाइट करेंगे। वाइट करने की वजह ये है, मेरा वो जो रिफ्लेक्ट आ जाएगा बहुत बढ़िया सा रिफ्लेक्ट आ जाएगा, ताकि ये बैकग्राउंड कलर बहुत अच्छा है, इसीलिए मैंने वाइट ले रहा है। ये देखो मैंने लिख रहा हाउ टू मेक, हाउ टू मेक लिखने के बाद ये थोड़ा रोटेट करेंगे ताकि ये थंबनेल में कुछ फैंसी टाइप का दिख जाए। इसको बाद इसको ओके कर देंगे, ये जो ऊपर वाला राइट का ऑप्शन है इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ये जो एक रेक्टेंगल मैंने सिलेक्ट किया, रेक्टेंगल को थोड़ा इसके हिसाब से मैं एक रेक्टेंगल बना लेंगे और इसको ऊपर लेयर के ऊपर सेट करेंगे। ये जो रेक्टेंगल टूल है इसको ऊपर फ्री ट्रांसफॉर्म करेंगे और थोड़ा रोटेट करेंगे। रोटेट करने के बाद इसको छोटा करेंगे, ये हाउ टू मेक जो लिखा हुआ है उसको ऊपर ढक जाए। तब ढकने के बाद फिर से हम लेयर पे आएंगे और हाउ टू मेक लेयर को सिलेक्ट करेंगे, ड्रैग करके ऊपर लेके चलेंगे, मतलब इसको ऊपर रख देंगे ताकि इसको ये जो रेक्टेंगल के ऊपर हाउ टू मेक लिखा क्लियरली दिख जाए। ये आ गया। इसको बाद ये जो लेटर है हाउ टू मेक इसको सिलेक्ट करेंगे ताकि ये हाउ टू मेक लेटर ये रेक्टेंगल के पूरा एडजस्टमेंट में बैठे। ये जो फ्री ट्रांसफॉर्म करके फिर से इसको रोटेट करेंगे, सॉरी ये दूसरी खुल गया इसको कर दे रहा है, इसको फ्री ट्रांसफॉर्म करके इसको थोड़ा रोटेट करेंगे ताकि ये रेक्टेंगल के ऊपर सीधा सा बैठ जाए। ऊपर राइट क्लिक कर देंगे, ये हो गया। अब इसको ऊपर इफेक्ट डालेंगे कैसे, हाउ टू मेक इसको सिलेक्ट करेंगे और ये जो ऐड लेयर ऑप्शन आ रहा है, देखो ऐड ए लेयर स्टाइल, इसको ऊपर आके आउटर ग्लो, आउटर ग्लो जाने के बाद यहाँ से कलर सिलेक्ट करेंगे। ये मैं ब्लैक कलर ले लूँगा ताकि दिखने में अच्छा लगे। स्क्रीन को चेंज करके नॉर्मल कर देंगे। नॉर्मल करने के बाद यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे, साइज को बढ़ाएंगे, नॉइज़ को बढ़ाएंगे, उसको बाद स्प्रेड को बढ़ाएंगे। नीचे जो स्प्रेड का ऑप्शन एलिमेंट्स के अंदर जो स्प्रेड का ऑप्शन दिख रहा है इसको भी थोड़ा बढ़ाएंगे ताकि ये बारिश जैसे दिखने लगे। ये देखो बारिश जैसे दिखने लग रहा है। और इसको बाद ये जो इनर शेडो के अंदर जब अब ऑपसिटी को बढ़ाएंगे ये पूरा 3D जैसे दिखेगा। ये देखो ये पूरा 3D जैसे दिखेगा। था साइज को बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं, लेकिन इसमें ही रहने दीजिए ताकि दिखने में अच्छा लगे। और ये जो नेक्स्ट पार्ट है जो रेक्टेंगल, उसी के ऊपर भी हम लोग आउटर ग्लो लगा सकते हैं। रेक्टेंगल पार्ट लेयर के ऊपर सिलेक्ट करेंगे, आउटर ग्लो में आएंगे और इसको कलर भी यहाँ पे स्क्रीन कर नॉर्मल स्क्रीन से नॉर्मल कर रहे हैं और इसका कलर भी ब्लैक करेंगे। स्प्रेड नॉइस थोड़ा थोड़ा बढ़ा लेंगे हिसाब से, तुम लोग के हिसाब से बढ़ा देना है। और येलो, ये जो येलो आउटर ग्लो बन रहा है ना, इसको मैं चेंज करके ब्लैक कर देंगे ताकि इसको साथ एडजस्ट हो जाए। देखो हो गया, कितना बढ़िया सा लग रहा है। और इसको नॉइज़ भी ज़्यादा कर रहे हैं ताकि स्प्रेड हो जाए। और इनर शेडो में आके इसको जस्ट ऐसे ही रख दीजिए और कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये आउटर ग्लो में जाके तुम लोग इसको ज़्यादा करेंगे तो ये देखो इसको मैं स्प्रेड का ज़्यादा कर रहा है तो पूरा हो जा रहा है, तो दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है। ये देखो दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है। आप लोग हिसाब से रखना कितना बढ़िया लेटर है, कितना का रखना है, ये आप लोग इसको हिसाब से रखना ताकि ये एट्रैक्टिव लगे और क्लिकेबल हो जाए। यहाँ पे मैंने ऐसे ही सेट कर दिया और यहाँ पे आके फिर से मैं ये जो लेयर वाला ऑप्शन रेक्टेंगल के ऊपर सेट करेंगे फ्री ट्रांसफॉर्म करके, इसको मैं टेढ़ा करूँगा कंट्रोल प्रेस करके। जब मैंने ड्रैग करूँगा ये टेढ़ा हो जा रहा है। ये देखो कंट्रोल प्रेस करके मैं ड्रैग कर रहा है, ये टेढ़ा हो रहा है। ये देखो
ये देखो कंट्रोल कंट्रोल दबाना दबा के रखना चाहिए, नहीं तो टेढ़ा नहीं होगा। ये ओके कर देंगे, उसको बाद ये हो गया, लेयर पे जाएंगे। मेरा फ़ोटो के ऊपर, मेरा फ़ोटो का लेयर सेट किया। अब फ़ोटो के सेट करने के बाद फ़ोटो के ऊपर आउटर ग्लो में जाएंगे, ये फ़ोटो को पूरा एक वाइड वाला शेप दे देंगे, फ़ोटो के चारों तरफ से ये वाइट सेट करेंगे। मैं वाइट दिखने में अच्छा लगे ये फ़ोटो के ऊपर, इसको मैं नॉर्मल कर देंगे, और इसको नॉइज़ भी थोड़ा बढ़ाएंगे, स्प्रेड भी थोड़ा बढ़ाएंगे, साइज भी बढ़ाएंगे। देखो आप लोग देख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं कैसा लग रहा है, और देखने में कितना ग्लो दे रहा है। देखो फोटो का राइट पूरा हर तरफ से एक बॉर्डर क्रिएट हो गया। होने के बाद एक लोगो मैं इसको ऐड कर रहे हैं इसके ऊपर, ये यूट्यूब का लोगो है, आप कोई भी लोगो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक लोगो लगा के आप लोग को दिखा रहे। फ्री ट्रांसफॉर्म में फिर से जाएंगे और इसको छोटा कर ले, रोटेट कर दिया, ये लिखा के हिसाब से मैंने इसको एंगल बनाया, और ओके कर देंगे। इसको बाद इसको फिर से ऐड लेयर पे आएंगे, आउटर ग्लो, आउटर ग्लो को जाने के बाद फिर से वही तरीके से मैंने इसको सेट करेंगे, और ये कलर स्क्रीन से लेके नॉर्मल पे आएंगे, कलर मैंने ब्लैक डालेंगे ताकि एक जैसा दिखने लगे, और नॉइज़ भी बढ़ाएंगे, स्प्रेड भी बढ़ाएंगे, और साइज भी थोड़ा बढ़ाएंगे। इसको बाद ये हो गया, नॉइज़ थोड़ा बढ़ा लेंगे, और इसको बाद इनर साइडों में जाएंगे और इसको बढ़ा देंगे, और साइज को थोड़ा सा बढ़ाएंगे ताकि इसको एक बॉर्डर जैसे फील होने लगे। ये देखो ये तैयार होके रहे, तैयार हो गया। अब लोग ऐसे ही एक थंबनेल बना सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, और ज़रूर बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नया नया वीडियो आप लोग के साथ शेयर कर पाए। और नेक्स्ट वीडियो में आएंगे एक 3D लोगो कैसे बनाता है, वो मैं लेके आऊँगा, दो एक दिन के अंदर ही मैं आप लोग को साथ शेयर भी करूँगा। ओके चलिए आज के लिए इतना ही है, टेक केयर, बाय बाय।